लेके डूबेगी कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी और चाय से बच भी गए तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बच भी गए तो गाय लेके डूबेगी और जीएसटी नोटबंदी और SC ST एक्ट से भी बच गए तो इन शेड्यूल कास्ट की हाय लेके डूबेगी। अभिमन्यु पूनिया जी के लिए जोरदार तालियां। बुलबुलों के पंजों में कभी बात नहीं रहते और बुजदिलों के सीने में कभी रात नहीं रहते, जिस कौम को पड़ जाए आदत सर झुका के चलने की फिर उस कौम के सिर पर कभी ताज नहीं रहते। करुणा के सागर महाकरुणित भगवान तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और वो तमाम कुर्बानियां जो मजहब लिंग जाति धर्म पहचान इन सबसे ऊपर उठ करके इस देश को बनाने में दी गई, इस देश का नीति निर्माण में दी गई। संत श्रमणी रविदास जी, कबीरदास जी, धन्ना चाट, वाल्मीकि जी, चोखा मेला, सतना कसाई, दादू दयाल, त्रिविड आंदोलन के महानायक पेरिये रामास्वामी नायकर, केरल में इजवाहा जनजाति की लड़ाई लड़ने वाले नारायण गुरु, मध्य भारत के घासीराम जी, मुंडा आंदोलन के महानायक बिरसा मुंडा जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मिट्टी में मरी हुई विचारधारा को दोबारा बाहर निकालने वाले बहुजनों के हृदय सम्राट माननीय काशीराम साहब है। और मेरे मातृशक्ति की बात करूं तो सर्वप्रथम इस देश के अंदर शिक्षा लेके आने वाली माता सावित्री बाई फूले, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झलकारी बाई, उदा देवी पासी, माँ बिशन कौर और बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली उनकी माता रमा बाई। और आज 30 अप्रैल 2018 को जो बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, ये जो लाइव लोड बुद्ध म्यूजिकल प्रोग्राम के जो संस्थापक और अध्यक्ष भाई मिलिंद्र गौतम जी को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे एक वक्ता के रूप में यहाँ पर बुलाया। और आप तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी भीम पुत्रों भीम पुत्रियों को मैं नीला सलाम पेश करता हूँ। जय भीम बोलता हूँ साथियों। मेरे साथियों, इस देश के अंदर जितने भी महामानव हुए सभी ने सामाजिक लोकतंत्रता की बात कही। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मानवता परमो धर्म है। रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्य छोट बड़े सब संग बसे रह रविदास प्रसन्न। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, हम इस मुल्क के अंदर सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि हम इस देश के राजा हैं और आज इस मंच से मैं इन भीम पुत्र और भीम पुत्रियों को देख करके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सामाजिक लोकतंत्र जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस मुल्क के अंदर तय करने वाले थे वो सामाजिक लोकतंत्र हम जल्द लेकर के आने वाले हैं और वो सामाजिक लोकतंत्र हम इसी संविधान के द्वारा, इसी संसद के द्वारा और इसी न्याय प्रक्रिया के द्वारा सुनिश्चित करेंगे मेरे साथियों मिलकर के। और 2 अप्रैल 2018 के दिन जो मेरे बहुजन समाज ने जो एक सफल भारत बंद का आयोजन किया है, इस सफल भारत बंद के आयोजन के लिए मेरा समाज साधुवाद का पात्र है। इस 2 अप्रैल 2018 के दिन मेरे समाज की महिलाएं भी 9 साल से लेकर के 60 साल तक जो सड़कों पर निकली है ना, मेरे साथियों आप सभी की एकता ने इस देश के हुक्मरानों को चेता दिया है कि जितना अम्बेडकर जिंदा खतरनाक नहीं था ना, उतना तो मरने के बाद हो गया साथियों, आपने चेताया ये। और मेरे साथियों जो बहुजन समाज के मजदूर, गरीब और शोषित पिछड़े लोग मेरे साथियों जो 2 अप्रैल 2018 के दिन सड़कों पर निकले, तो मैं एक छात्र नेता होने के नाते मेरे साथियों जो RSS के इशारे पर जो मनुवादी सरकार वर्तमान में चल रही है साथियों, मैं उसके चौकीदार को चैलेंज करता हूँ कि मैं उस चौकीदार को चैलेंज करता हूँ जो कुछ साल पहले कहता था कि मेरा तो सीना 56 इंच का है, मैं कहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि तेरा सीना 56 इंच का नहीं, तेरा पेट 56 इंच का है, जिसमें से हेगड़े जैसे नेता जन्म लेते हैं और संविधान के ऊपर किशन मार्ग करते हैं। हेगड़े जैसे नेता के पेट से जन्म लेते हैं और इस संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। मेरे साथियों ये वो लोग हैं जिनके दादा परदादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने आने से जिनकी पैंट गिल्ली होती थी मेरे साथियों, वो लोग संविधान के ऊपर उंगली करते हैं मेरे साथियों। और मेरे समाज के लोगों और मेरे समाज की मेरी मातृशक्ति जो मेरे समाज का युवा होने के नाते भी इस जो मनुवादी सरकार जो वर्तमान में चल रही है या जो पूर्व में सरकारें चली जिन्होंने कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे तमाम महापुरुषों को मेरे साथियों जाति वाला चश्मा उतार करके नहीं देखा, मैं चैलेंज करता हूँ एक समाज का युवा होने के नाते भी इस मंच के माध्यम से कि जब जब इस मुल्क के ऊपर कोई संकट आया है तब तब मेरे
समाज ने मतादीन भंगी जैसे योद्धा और संत कबीर जैसे योद्धा पैदा किए मेरे साथियों। पूरा देश मिलकर के भी दूसरा संत कबीर पैदा नहीं कर सका। मेरे समाज ने डॉक्टर अम्बेडकर पैदा किया, पूरी धरती मिलकर के भी दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं कर सके मेरे समाज के लोगों। और इस मैं चेताना चाहता हूँ इस सरकार को जो और जो संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर संविधान बनाने के मौके एक बार नहीं आए, इस देश के अंदर संविधान बनाने के मौके दो बार भी नहीं आए, इस देश के अंदर संविधान बनाने के मौके तीन बार आए मेरे साथियों। पहला मौका 1928 के अंदर आता है जब साइमन कमीशन इस देश में आया और साइमन कमीशन ने कहा कि भारत के लोगों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके देश में है, क्यों ना आपके देश का संविधान बना लो। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि इस देश का संविधान एक अछूत लिखे। दूसरा मौका 1946 के अंदर आता है जब सपूरण कमेटी बनाई गई। सपूरण कमेटी का भी कहीं ना कहीं इस देश के भारत का संविधान बनाने का था, वो काम भी सिरे नहीं चढ़ा। तीसरा मौका तब आया जब संविधान सभा बनी और संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया, तब समता का ग्रंथ इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था मेरे साथियों। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे समाज के लोगों। और बाबा इस देश के अंदर बड़े बड़े चोटाधारी पैदा हुए, बड़े बड़े पाखंडी पैदा हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए, लेकिन कोई भी राजा की रानी की कोख का ऑपरेशन नहीं कर सका। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले क्या होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा फिर राजा बनता था। मेरे साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट की कीमत दी और कहा कि पावर इज नीडेड टू डिस्ट्रॉय द पावर। और मैं ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगा इस मंच के माध्यम से कि आज भी मेरा समाज दारू के पौवे में बिकता है, छत्तीस बिरादरी का झूठे भाईचारे में शिकार होता है मेरे साथियों। इस बात को घर घर जाकर के समझाने की जरूरत है। और इस देश के अंदर मेरे साथियों बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं कि राष्ट्रवाद वो होता है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का उदाहरण था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्होंने कहा कि मैं पहला भी भारतीय हूँ और आखिरी भी भारतीय हूँ। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। मेरे साथियों इस बात को समझने की जरूरत है। और मेरी अगर मातृ शक्ति की बात करूं तो इस देश के अंदर महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर डॉक्टर अम्बेडकर जैसा पैदा विधवा नहीं होता। गुलामी की जंजीरों में तू घूंघट में रोती, फिर सर उठा के जीना आसान नहीं होता। बाबा ने तेरे हाथों की बेड़ियों को तोड़ा, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। डीएम सीएम पीएम कोई महिला नहीं बनती अगर मेरे बाबा का लिखा संविधान नहीं होता। इस बात को समझने की जरूरत है। और मेरे समाज के लोगों, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक खबर देख रहा था, जो लॉर्ड बुद्धा चैनल है, उसमें ऊपर एक खबर देख रहा था कि इस देश का पहला किन्नर जो जज बना है उसका नाम ज्योतिका मंडल है। ज्योतिका मंडल सबसे पहले किसी मंदिर मस्जिद में ना जा करके सबसे पहले नागपुर की दीक्षा भूमि में गया। और नागपुर की दीक्षा भूमि में जब गया तो मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप किसी मंदिर मस्जिद में ना जा करके नागपुर की दीक्षा भूमि में क्यों आए हो। तो ज्योतिका मंडल ने कहा कि जिस देश के अंदर मैंने जन्म लिया है, जिस देश के अंदर जातिवादी मानसिकता है, जिस देश के अंदर पैदा होते ही जाति का ठप्पा लगता है, फिर पैदा होते ही गोत्र का ठप्पा लगता है, उस देश के अंदर ये पॉसिबिलिटी तो है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। अब बेची या ना बेची वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन जिस देश के अंदर जातिवादी मानसिकता है उस देश के अंदर एक किन्नर का, एक हिंजड़े का जज बना इम्पॉसिबल है। अगर एक किन्नर इस देश का पहला जज बना है तो किसी मंदिर मस्जिद की मेहरबानी नहीं, बाबा साहब के संविधान की बदौलत बना है। इसलिए नागपुर की दीक्षा भूमि में आया हूँ। और मेरे साथियों, हम माननीय काशीराम साहब ने एक ट्रिपल एम का फॉर्मूला दिया, अब समय कम है, मेरे भाई ने दो बार इशारा कर दिया ऐसे का भाई। तो भाई ट्रिपल एम, माननीय काशीराम साहब ने ट्रिपल एम का फॉर्मूला दिया, मेन मनी। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जो जिन लोगों के पास पैसा है समाज का वो सामाजिक उत्थान के लिए अपना योगदान दे। मैं डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया से प्रभारी हूँ दिल्ली से, हम छात्र राजनीति करते हैं और मैं भी एक ट्रिपल एम का फॉर्मूला देता हूँ इस मंच के माध्यम से। ट्रिपल एम, मंच, माला और माइक। मेरा समाज जिस दिन मंच, माला और माइक अपने ही समाज के लोगों को देने लग जाएगा उस दिन मेरे साथियों आधा काम तो बिना ही मेहनत हो जाएगा मेरे साथियों। ट्रिपल एम का फॉर्मूला हम भी देते हैं साथियों। और एक लास्ट में एक बात कहते हुए, समय का अभाव है, लास्ट में एक बात कहूंगा मेरे समाज के दलालों के लिए। जो समाज के दलाल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के राजनीतिक रोटियां खिसकने का काम करते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाला समय हमारा है, अगर तुम नहीं सुधरे तो हम तुम्हारी कब्र खोदने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय माननीय साहब।